Hello friends and welcome back. This is your study buddy and now I am back with the 6th chapter video. When it was time for tea, Virginia was nowhere to be seen. जब चाय का समय हो गया, जब शाम हो गई, Virginia कहीं नहीं दिख रही थी. Her mother thought that she might have gone to the garden to fetch flowers. Virginia की माँ को लगा, Virginia की मदर को लगा कि शायद वो फूल लाने के लिए गार्डन गई हो. The watch hand moved fast and it was time for dinner. But Virginia was missing and it alarmed everybody. टाइम बहुत जल्दी बीता और रात हो गई, डिनर का टाइम हो गया, लेकिन फिर भी वर्जीनिया मिसिंग थी और इस बात से सब लोग शॉक हो गए. एवरीबडी वॉज इन अ शॉक. सर्वेंट सर्च्ड फॉर हर एवरीवेयर बट नो टू अवेल. सर्वेंट्स ने, नौकरों ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली. मिस्टर ओटिस सर्च्ड फॉर हर इन द जिप्सी कैंप बट शी वॉज नॉट फाउंड देयर. मिस्टर ओटिस ने उसे जिप्सी कैंप में भी ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली वो. द ड्यूक, फियांसे ऑफ वर्जीनिया, वॉज ऑल्सो इन द सर्च पार्टी. द ड्यूक ऑफ चेशायर, जो वर्जीनिया के फियांसे थे, उसके लवर थे, उसने भी उसे हर जगह ढूंढा. सर्च पार्टी में वो भी थे लेकिन उसे भी कहीं नहीं मिली. शी कुड नॉट बी फाउंड इवन इन द विलेजेस नियर बाय. वो आसपास के गांव में भी कहीं नहीं मिली. द स्टेशन मास्टर व्हेन कॉन्टेक्टेड ऑल्सो टोल्ड द ड्यूक दैट नो वन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्जीनिया हैज़ बीन सीन. जब ड्यूक ऑफ चेशायर ने स्टेशन मास्टर से कॉन्टैक्ट किया तो स्टेशन मास्टर ने भी यही जवाब दिया कि वर्जीनिया के डिस्क्रिप्शन, वर्जीनिया के अपीयरेंस जैसी कोई भी लेडी उन्हें नहीं दिखाई दी. ही प्रॉमिस्ड टू कीप अ विजिल. स्टेशन मास्टर ने प्रॉमिस किया कि अगर ऐसा कुछ मिलता है, दिखता है, तो वो उन्हें जरूर इन्फॉर्म करे. इवन द रूरल पुलिसमैन कुड नॉट गिव एन इन्फॉर्मेशन. इवन जो उस गांव के या उस एरिया के जो पुलिसमैन थे वो भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे. द पार्टी रिटर्न टू द चेस डेड टायर्ड एंड ऑलमोस्ट हार्ट ब्रोकन. जो सर्च पार्टी थी, उनकी जो पूरी फैमिली थी, ओटिस फैमिली, सब लोग वापस अपने मैंशन आ गए, कैंटरविले मैंशन, और सब लोग बहुत थक चुके थे और उनका सबका दिल टूट चुका था. मिसेस ओटिस वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ हर माइंड एंड विथ टेरर एंड एंग्जाइटी. मिसेस ओटिस जो थी, उनका वो बिल्कुल एकदम डिप्रेस हो चुकी थी क्योंकि उनकी बेटी नहीं मिल रही थी और बहुत डर में और एंग्जाइटी में आ चुकी थी वो. मिस्टर ओटिस ऑर्डर्ड एवरीबडी टू गो टू बेड सेइंग दैट नथिंग कुड बी डन दैट नाइट. मिस्टर ओटिस ने सबको ऑर्डर किया कि सब लोग अपने कमरे में चल जाए और सो जाए क्योंकि उस रात को कुछ नहीं किया जा सकता था. ही थॉट ऑफ कॉन्टैक्टिंग स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन पुलिस इन द मॉर्निंग. उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो लंदन पुलिस से कॉन्टैक्ट करेंगे. इट वॉज मिड नाइट एंड एवरी वन वॉज अबाउट टू लीव द रूम. रात के 12 बज चुके थे और लगभग सभी लोग अपने रूम में जाने की तैयारी कर रहे थे. द क्लॉक स्ट्रक मिड नाइट एंड वेन द लास्ट स्ट्रोक साउंडेड दे हर्ड अ क्रैश एंड सडन शिल क्राय. लगभग 12 बज चुके थे और सभी लोग अपने रूम में जाने वाले थे. जैसे ही जस्ट 12 का काटा स्ट्रक हुआ, एक लास्ट स्ट्रोक साउंड हुआ, सब लोगों ने एक क्रैश की साउंड सुना और एक श्रिल, एक तेजी से रोने की आवाज़ सुनी. द ड्रेडफुल पील ऑफ थंडर शुक द हाउस. बहुत ज़ोरों से बिजली कड़कने लगी. द सीक्रेट डोर ओपन्ड. एक गुप्त दरवाजा, एक सीक्रेट डोर था, वो ओपन हुआ. लुकिंग वेरी पेल एंड वाइट विथ अ लिटिल कैस्केट इन हर हैंड देयर अपीयर्ड वर्जीनिया. एक सीक्रेट डोर खुला. वर्जीनिया जो थी काफ़ी पेल, काफ़ी उसका चेहरा काफ़ी पीला हो गया था और वाइट हो चुका था और उसके हाथ में एक कैस्केट था, एक हम कह सकते हैं एक बॉक्स था. और वर्जीनिया सामने आई. एवरीबडी रैन टू एम्ब्रेस हर. हर कोई जो था वर्जीनिया के पास गया. चोक्ड विद इमोशंस हर फादर सेड. उसके फादर काफ़ी भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा, गॉड हेवेंस, गुड हेवेंस माई डियर चाइल्ड. उसके फादर जो थे काफ़ी भावुक हुए और उन्होंने कहा, वेयर हैव यू बीन. उसने कहा, मेरी बच्ची तुम कहाँ थी. ही शोड एंगर थिंकिंग दैट शी हैड बीन प्लेइंग अ ट्रिक ऑन देम. वो उसके फादर काफ़ी गुस्सा हुए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो है उनके साथ मजाक कर रही थी. वर्जीनिया टोल्ड एवरीबडी दैट शी हैड बीन विद अ घोस्ट एंड ही वॉज डेड. वर्जीनिया ने सबको बताया कि वो सर साइमन के साथ थी, घोस्ट के साथ थी, और घोस्ट जो है अब मर चुके हैं. तो ही वॉज वेरी विकर्ड एंड नेफ्टी फॉर मर्डरिंग हिज वाइफ बट ही वॉज रियली रेपेटेंट. उन्होंने बताया कि हाँ, वो काफ़ी विकेट थे, वो काफ़ी बुरे थे क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया, लेकिन तो भी वो नेचर से अच्छे हैं, वो स्वभाव से काफ़ी अच्छे हैं. ही गेव हर दिस बॉक्स ऑफ ब्यूटिफुल जेवल बिफोर ही किस डेथ. उन्होंने सर साइमन के इंटरव्यू लेने, घोष ने उन्हें एक ज्वेलरी का एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स दिया
उससे पहले कि वो मौत को गले लगाए, इससे पहले कि वो मरे। द होल फैमिली वॉज स्टन्ड, सारी फैमिली जो थी स्टन हो चुकी थी, सारी फैमिली चौंक चुकी थी। वर्जीनिया लेड ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट देयर डाउन अ नैरो सीक्रेट कॉरिडोर टू लिटिल रूम। वर्जीनिया ने उस घर में प्रेजेंट जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सबको एक सीक्रेट कॉरिडोर से एक छोटे से कमरे में लेके गई। देयर द ओटिस फैमिली वॉज शॉक टू सी द स्केलेटन ऑफ सर साइमन हु हैड बीन स्टाफ टू डेथ बाई हर वाइफ्स ब्रदर्स। वहाँ पर पूरी की पूरी ओटिस फैमिली शॉक में चली गई जब उन्होंने देखा कि सर साइमन के इंटरव्यू लेकर वहाँ पर स्केलेटन कंकाल पड़ा हुआ था, जिनका मर्डर उसकी वाइफ के भाइयों ने किया था क्योंकि सर साइमन ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था। वर्जीनिया बेंट डाउन बिसाइड द स्केलेटन, वर्जीनिया स्केलेटन के पास बैठ गई। विद बोथ पाम्स जॉइंट इन सेवरेंस शी बिगन टू प्रे साइलेंटली, दोनों हाथ जोड़कर वर्जीनिया उस स्केलेटन के पास बैठकर प्रे करने लगी। ऑल अदर्स प्रेजेंट ओवर देयर लुक्ड ऑन इन वंडर एट द टेरिबल ट्रेजेडी। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब शॉक में चले गए, सब अपनी आंखें फाड़ फाड़ के उस दृश्य को, उस सीन को देखने लगे। द कैट वॉज आउट ऑफ द बैग, द सीक्रेट ऑफ द ट्रेजेडी वॉज नाउ डिस्क्लोज्ड। फ्रेंड्स ये जो लाइन है द कैट वॉज आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब है कि अब जो सीक्रेट था, अब जो उस कैंटरविले मैंशन का जो सीक्रेट था वो बाहर आ चुका था। वन ऑफ द ट्विंस हु वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो सडनली एक्सक्लेम्ड दैट द ओल्ड आलमंड ट्री विच वॉज वेदर्ड हैड ब्लॉसम्ड। दोनों में से एक ट्विन ने खिड़की के बाहर झाँक कर देखा और कहा, एक्सक्लेम किया चिल्लाते हुए कहा कि जो पुराना जो बादाम का पेड़ था, द ओल्ड आलमंड ट्री विच वॉज विदर्ड हैड ब्लॉसम, जो पहले सूख गया था या मुरझा गया था अब वो वापस हरा भरा खिल चुका है। इट्स फ्लावर्स कुड बीन सीन क्लियरली इन द मूनलाइट। तो रात के समय में उसके जितने फ्लावर्स है, एलमंड ट्री के जितने फ्लावर्स है वो क्लियरली आसानी से देखे जा सकते हैं। वर्जीनिया अटर्ड गॉड हैज़ फॉरगिवन हिम, वर्जीनिया ने बोला कि भगवान ने सर साइमन को माफ़ कर दिया है। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई। हर फेस एल्यूमिनेटेड इन द डार्कनेस, उसका फेस जो है डार्कनेस में चमकने लगा। द ड्यूक एम्ब्रेस्ड हर बिकॉज शी हैड एक्टेड एज एन एंजल, जो उसका फियांसे था जो ड्यूक ऑफ चेशायर था वो काफ़ी खुश हुआ और उसकी काफ़ी तारीफ की क्योंकि उसने एज एन एंजल काम किया और सर साइमन को पीस, सर साइमन के सोल को पीस दिलाया। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो में लिंक दी गई है, प्लीज़ उसे क्लिक करें और आगे की स्टोरी में क्या हुआ प्लीज़ जानें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।